दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बारिश हुई है यहाँ पे, सिर्फ पानी ही पानी है भाई बस्तियों में। वो देखो घर, वो घर देखो भाई, पूरा पूरा पानी में गया हुआ है। जर्नी हो रही है ना, उसके एक रात पहले तारीख इवनिंग को रात को 10 बजे करीब मैंने स्टोरी डाली थी और तब बारिश हो रही थी भाई आउटसाइड। और अभी सुबह के 3 बजे हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ, ऑटो वाला आने वाला है तो ऑटो में बैठ के मैं स्टेशन की तरफ जाऊँगा। तो बारिश लगातार पिछले 14-15 घंटों से अहमदाबाद में हो रही है। बारिश का नज़ारा देख लीजिए भाई, और देख लीजिए दिन शुरू हो चुका है। ओह तो गाइस मौसम एकदम क्लियर हो चुका है, बारिश थम चुकी है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस ऑटो वाले के आने का वेट है, फिर हम निकल रहे हैं यहाँ से फाइनली। मैंने सोचा आप शायद सोए होंगे, आपको उठा देते हैं, इसलिए मैंने कॉल कर दिया था। अच्छा चलिए चलिए जनाब। हाँ तो दोस्तों आपको होपफुली मेरी पिक्चर अच्छी तरह दिखाई दे रही होगी। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद जंक्शन एक और जर्नी की शुरुआत करने के लिए, और इस वक्त हमारी ट्रेन नंबर है 02934 कर्णावती एक्सप्रेस, जो सुबह अहमदाबाद जंक्शन से छूटती है 4:55 पर और मुंबई सेंटर पहुंचाती है 12:35 पर। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 493 किलोमीटर विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर एंड विद द एवरेज स्पीड इज़ 64 किलोमीटर पर आवर। और डिस्प्ले हो रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगी हुई है। अब स्टेशन पर अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। बहरहाल मैंने आपको बताया नहीं था, जब अहमदाबाद जंक्शन से बाहर आए थे तो भैया कुछ भी नहीं हुआ था पिछली बार। मोनू भाई ने बताया था, जो उन्होंने जर्नी कर चुके तो वो बताए थे कि उनका सिर्फ स्क्रीनिंग हुआ था, कुछ नहीं हुआ। बट मेरे साथ भैया कुछ भी नहीं हुआ था। अब अंदर चलता हूँ मैं और देखता हूँ हमारे साथ इस टाइम अर्ली मॉर्निंग क्या क्या होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सूनापन है यहाँ पर। टोटल 10 प्लेटफॉर्म्स है, स्टेशन कोड है ADI। 198 ट्रेनों का होल्ट हुआ करता था, 71 ट्रेनें ओरिजिनली टर्मिनेट हुआ करती थी, बट अब यहाँ से सिर्फ 12 ट्रेनें ही ऑपरेट हो रही हैं दोस्तों, सिर्फ 12 ट्रेनें। टिकट कंफर्म हो तो अलग बस है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ी हमारी खड़ी है, और जल्दी से मैं आपको इसकी कोच कंपोजिशन बता देता हूँ। दोस्तों जो सेकंड सीटिंग के, इसमें टोटल 11 कोचेस लगे हुए हैं और 2 कोचेस अनरिजर्व्ड हैं। 4 लगे हुए दोस्तों इसमें AC चेयर कार, और इसमें भैया पेंट्री कार भी आपको मिल जाएगी, हॉट बफे कार मिल जाएगी। तो दोस्तों आर यू रेडी फॉर द वन मोर जर्नी? इफ यस तो दोस्तों जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा, पूरा जोर लगाऊंगा कि ये ब्लॉग आप लोगों को एंटरटेन कर पाए और आप लोग घर बैठ के मजे ले सकें इस जर्नी के। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, क्योंकि उसमें मैं लेटेस्ट पिक डालता रहता हूँ, आपको पता चलता रहेगा कि इस टाइम भैया क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी सुबह 5 बजे हो तो आपको कम से कम भी सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, और मैं भी 3 बजे उठ के तैयारी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों जो 3 स्टेशन है वो हमारे अंधेरे में ही चले जाएंगे, अहमदाबाद जंक्शन, नाडियाड जंक्शन और आनंद जंक्शन। यहाँ से गाड़ी का भी डिपार्चर है 4 मिनट के बाद। आपको डिपार्चर दिखाने के बाद मैं आपको सीधा मिलूंगा वडोदरा जंक्शन से पहले। दोस्तों गाड़ी का हॉर्न हो चुका है, और हॉर्न होते ही गाड़ी डिपार्ट हो चुकी है बिल्कुल अपने राइट टाइम पे 4:55। अब देखते हैं कि नाडियाड में आपको दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते, और साथ ही आनंद जंक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों आप टाइम देख लीजिए 4:55, और इस प्लेटफॉर्म पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे ऑलमोस्ट स्टॉल खुले हैं। जो बुक्स वाले हैं वो बंद है, बाकी खाने पीने वाले सारे स्टॉल खुले हैं। तो दोस्तों इट्स टाइम टू से बाय बाय टू अहमदाबाद जंक्शन, और सामने आप देख सकते हैं एक वडोदरा शेड का WAP-7 आ रहा है वहाँ से, क्योंकि ये जो लाइन है ये सारा का सारा स्टेशन है ये इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है भाई। तो यही थे दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं आपको बाहर कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा, इसलिए जो सनराइज़ है वो है 6:23 का। तो आपको मिलता है सीधा वडोदरा जंक्शन के अराइवल पे।
बहुत हुआ दोस्तों यहाँ तक, मिलते हैं वडोदरा। दोस्तों हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है वडोदरा जंक्शन और यहां तक गाड़ी ने कवर कर लिया 100 किलोमीटर। इस स्टेशन का जो कोड है वो है BRC और यहां पे गाड़ी का 5 मिनट का होल्ड है पर गाड़ी ने 12 मिनट पहले पहुंचा दिया, तो अब गाड़ी 17 मिनट रुकेगी। दोस्तों ये स्टेशन इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है और ये स्टेशन बना था 1871 में। अब अगर बात करिए टोटल ट्रेन्स की तो यहाँ पर पहले गाड़ी जो रुकती थी वो थी 363 मतलब 363, उनमें से 20 ट्रेनें ओरिजिनेट होती थी, 20 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती थी। पंजाबी आ जाती यार बीच बीच में, क्या करूं। बट अभी कोरोना काल में यहाँ पे सिर्फ 30 ट्रेन्स का ही हॉल्ट है। तो दोस्तों वडोदरा जंक्शन से हमारा डिपार्चर शुरू हो चुका है। अब यहाँ से चलने के बाद गाड़ी अगला जो हॉल्ट है वो है बारूच जंक्शन का और यहाँ से लेकर बारूच जंक्शन तक का जो डिस्टेंस है वो है 70 किलोमीटर। एक बार जाके मेरे को लोकोमोटिव देखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत तगड़ी ले रहा बॉस। डिपार्चर देख लीजिए, तो गाड़ी पहुंच चुकी है बारूच जंक्शन और यहाँ तक। और यहाँ पे स्टेशन का जो कोड है वो है BH। यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और 2 मिनट का होल्ट है। यहाँ पे पहले 173 ट्रेन आकर रुकती थी, उनमें से 4 ट्रेनें ओरिजिनेट होती थी, 4 ट्रेनें टर्मिनेट होती थी, बट अब यहाँ पे सिर्फ 10 ट्रेनें ही आके भाई रुकती हैं। और पीछे खड़ी है स्टाफ वाली गाड़ी अहमदाबाद जाने के लिए।
दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बारिश हुई यहाँ पे, सिर्फ पानी ही पानी है भाई बस्तियों में। वो देखो घर, वो घर देखो भाई, पूरा पूरा पानी में गया हुआ है। दोस्तों हमारी कर्णावती एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सूरत स्टेशन पे, और ये शहर भैया बसा हुआ है तपती नदी के किनारे पे। और ये जो शहर है मशहूर है हीरों के लिए, हीरों का व्यापार आपने करना है तो सूरत आ सकते हैं। बहरहाल यहां तक गाड़ी ने कवर कर लिए 229 किलोमीटर। इस स्टेशन का रिकॉर्ड हुआ है ST, और यहाँ पर गाड़ी होल्ड करेगी मात्र 5 मिनट के लिए, बट गाड़ी ने 15 मिनट पहले ही पहुँचा दी है। अगर बात की जाए प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म है 4, और दोस्तों पहले यहाँ पे 333 ट्रेनें आकर होल्ड किया करती थी, उनमें से 24 ट्रेनें ओरिजिनेट होती थी, 24 ही टर्मिनेट होती थी, बट अभी कोरोना काल में यहाँ पे सिर्फ 27 ट्रेनें ही आके रुकती हैं। दोस्तों आपको अराइवल नहीं दिखा सका था क्योंकि उठते उठते टाइम आ गया और गाड़ी बड़ी जल्दी से यहाँ पर पहुँच गई, बट आपको डिपार्चर दिखा देते अभी। तो दोस्तों गाड़ी पहुंच चुकी है वलसद, यहाँ पे गाड़ी का जो होल्ड है वो मात्र 2 मिनट का। इस स्टेशन का कोड है BL। तो दोस्तों 324 किलोमीटर हमारा कवर हो चुका है और इस टाइम है हम वापी में, वापी से डिपार्चर ले रहे हैं। आपको अराइवल नहीं दिखा सका था, वेरी सॉरी। यहाँ से लेके आगे अभी हम महाराष्ट्र में एंटर करेंगे, और यहाँ से लेके अगला स्टेशन है जिस पर हम एंटर करेंगे वो बोरीवली। दोनों स्टेशनों के बीच का जो अंतर है वो है इस लॉन्ग का लॉन्गेस्ट स्ट्रेच 169 किलोमीटर। फिलहाल मैं आपको यहाँ से डिपार्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 मिनट का होल्ड था, स्टेशन का कोड था VAPI वापी। दोस्तों सामने खड़ी है गरीब रथ बंडर निज़ामुद्दीन, वन ऑफ द फास्टेस्ट गरीब रथ इन द हाउस फॉर इंडियन रेलवेज। बहुत दुख हो रहा है इसको देख कैसे खड़े भाई। वलसद वापी बाय बाय, आपको मिलते हैं थोड़े से अच्छे शॉर्ट्स के साथ। अब आपको मिलता हूं मैं सीधा बोरीवली में।
दोस्तों गाड़ी निकल चुकी है बोरीवली से और यहाँ तक गाड़ी ने कवर कर लिया है 463 किलोमीटर। स्टेशन का कोड है VBI। यहाँ से निकलने का जो टाइम था वो था 11:50 का, सॉरी तो 7 मिनट पहले ही यहाँ से डिपार्चर शुरू हो गया, 2 मिनट का होल्ड था बस। और रास्ते में भाई हमें कोई भी लोकल गाड़ी नहीं दिखी। अभी मिलते हैं आपको सीधा अराइवल पे मुंबई सेंट्रल। दोस्तों उससे पहले कि हम मुंबई सेंट्रल पहुँच जाए मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी का इंटीरियर एकदम शताब्दी जैसा है। गाड़ी को दोनों तरफ से इलेक्ट्रिकल सॉकेट दिए गए हैं, फैन लगे हुए हैं, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। और जो खाना था दोस्तों, आप अगर इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं तो आपको रेकमेंड कर रहा हूँ अगर आप इस रूट पर जा रहे हैं तो एक बार इस गाड़ी से ज़रूर ट्रैवल करें। तो दोस्तों पहली लोकल गाड़ी मिल गई है, वो भी बहुत लंबी सी। टॉयलेट इस ट्रेन में थोड़े यूनिक हैं और साथ में ये बड़े बड़े कैबिन दिए हुए हैं यहाँ पे। और ये दोस्तों मुझे पता नहीं है क्या है, किस लिए है। तो दोस्तों खींच के 5-7 मिनट में हम पहुँच जाएंगे मुंबई सेंट्रल अपने डेस्टिनेशन स्टेशन की ओर। इसका कोड है MMCT। और आपको मुझे बताना होगा कि ये वीडियो को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इसको शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। उम्मीद तो है मुझे कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर आप पहली बार आए हैं। तो जाते जाते आपको टॉयलेट फिर से नहीं दिखा रहा क्योंकि टॉयलेट पर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। और आपको सिर्फ अराइवल दिखाऊंगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मुंबई सेंट्रल और ये रही मुंबई सेंट्रल की इस टाइम पोजीशन, बिल्कुल सुनसान। और ये वही स्टेशन है जो देश के कुछ ऐसे स्टेशनों में से था जो हमेशा फिल रहता था। दूसरी तरफ से इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे क्राउड है, तो इसलिए यहाँ से संतुष्ट करना पड़ेगा आपको। दोस्तों यहीं तक का था हमारा सफ़र मुंबई सेंट्रल। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना।